राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब आर पार की हो चली है। बताया जा रहा है कि सरकार के इशारे पर पायलट का पीसीसी से पत्ता साफ करने के लिए एसओजी की मदद ली जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये जानने के लिए एसओजी के एफआईआर की एक कॉपी देखिए, जिसे एसओजी ने खुद ही रजिस्टर्ड किया है। एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग के हवाले से एसओजी ने एफआईआर की इस कॉपी में लिखा है कि प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम का झगड़ा चल रहा है। फोन की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाने की साजिश चल रही है। परिवाद तो जो श्री महेश जोशी जी ने दिया था तो उसकी जांच अभी भी जारी है, और साथ में ही चूँकि समय समय पर जो असामाजिक तत्व या जो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके कई बार फ़ोन अंतावरण पर होते हैं। तो ऐसे ही दो फ़ोन थे जिनके अंतावरण जो इंटरसेप्शन है, उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। एसओजी का कहना है कि अगर कोई खुलेआम सरकार गिराने की बात करता है तो उसका ये कर्तव्य है इस बारे में सरकार को बताएं और ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एसओजी अब फोन पर रिकॉर्ड कॉल के आधार पर बातचीत करने वाले की तलाश में जुट गई है। जो लोग बिल्कुल खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो नेचुरली इट्स आर ड्यूटी टू प्रोसीड अगेंस्ट सच ऑफेंडर्स। निश्चित तौर पे इस तरह की अपुष्ट जो खबरें हैं, सूत्र सूचनाएं जो मुखबिर से हमें प्राप्त होती है, तो उसका उससे मेंशन है और वो भी अगेन इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, क्योंकि अब हम जैसे जिसके लिए भी अगर आ गया तो हम नेचुरली उनके बयान लेंगे, उनसे पूछेंगे, अगर उसमें कुछ और ऐसी बात सामने आएगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन को और दिशा मिलेगी। एफआईआर के मुताबिक ऐसी बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। एफआईआर में यह भी लिखा है कि कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया को एक बीजेपी के नेता की ओर से पैसों का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में भी फोन पर बातचीत की जा रही थी कि अब तक वो पायलट के पाले में थे लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच देने की बात भी सामने आ रही है। अपना नाम सामने आने पर कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया ने अब सफाई पेश की है। हमारे खून में ही कांग्रेस बसी हुई, हमको ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। हो सकता है बातें बनाने वाले बनाते होंगे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एसओजी ने प्रकरण दर्ज किया आपकी जानकारी में है क्या? मुझे पता नहीं है उसके बारे में, ना मुझे जानकारी है। जो भी कहेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और मैं अभी आपसे भी ये कहती हूँ कि हमारे इससे कोई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने की कोशिश की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक अशोक लाहौटी का सीधा आरोप है कि जब से सरकार बनी है तब से जनता सीएम और डिप्टी सीएम के आपसी झगड़े में पिस रही है। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का आपस का झगड़ा और पिस रही है जनता। राजस्थान में एक मजाक का केंद्र बन गई है सरकार। कभी मुख्यमंत्री जी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, कभी 35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने की बात करते हैं, कभी इनके नेता जाकर खुद ही अपनी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, कभी एसओजी खुद ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का झूठा नाम लगाया जाता है। मैं कहूंगा यदि कांग्रेस पार्टी शासन नहीं कर सकती, जनता का भला नहीं कर सकती और राज चलाने में नाकाम हो गए हैं तो इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी राजस्थान में। तो मुख्यमंत्री जी अब राज नहीं चलाया जा रहा तो आप इस्तीफा दें, आपस के झगड़े का ठीकरा किसी दूसरे के माथे नहीं फोड़े। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में राजस्थान की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। गहलोत सरकार गिराने की कोशिश के एसओजी के इस खुलासे के बाद राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है। एफआईआर की कॉपी में डिप्टी सीएम का नाम होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर ही ऐसा किया गया होगा। खबर ये भी है
कि सचिन पायलट अपनी बात आलाकमान के सामने रखने के लिए दिल्ली निकल चुके हैं, जहां वो राहुल गांधी से सारी बातें बताएंगे। आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान के सत्ता और संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो हैरान मत होइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।